Hello students, I'm going to cover up the first chapter of your English textbook that is Tom Has a Toothache. This chapter is inspired from an event in a Mark Twain's famous novel, The Adventure of Tom Sawyer. It's Tom Sawyer. Okay. Concerned characters are here Tom, second is Sid, and third is Aunt Polly. The chapter deals with a boy, Tom. बॉय the main character here, who is trying to avoid school on Monday, making excuses as he finds school tiring and boring. ठीक है तो एक बॉय है टॉम जिसको अपने स्कूल अवॉइड करना है जैसे कि ऑब्वियसली संडे के बाद छुट्टी होती है मंडे एक नया क्लास नया स्कूल स्टार्ट होता है तो ही wants टू avoid दैट डे वो अभी उस दिन भी छुट्टी बनाना मनाना चाहता है सो वॉट इज डूइंग ही इज मेकिंग एक्सक्यूज सो दैट ही शुड नॉट बी सेंड टू द स्कूल देन कीप योर बुक विद यू ओपन एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसन लाइन बाई लाइन ओके सो कीप योर बुक विद यू नाउ एज यू कैन सी आई एम हैविंग द स्क्रीन शॉट ऑफ योर textbook here i am having the lesson with me now as i will go to the proceed to the chapter first here the chapter starts this is how this a young boy experiences monday's blues and tries to invent a reason to skip school okay the so, young boy he want to experience monday's monday blues मंडे का मंडे ब्लूज मीन्स मंडे का जो टाइम uh, है वो उस दिन को एक्सपीरियंस करना चाहता है एंड सो ही वॉन्ट्स टू स्किप द स्कूल एंड सो ही इज इन्वेंटिंग वो क्या कर रहा है रीजन्स इन्वेंट कर रहा है रीजन्स को खोज रहा है तो क्या कि वो स्कूल अवॉइड कर सके नाउ दिस स्टार्ट मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता था उनको मंडे का मॉर्निंग सबसे ज़्यादा ख़राब मंडे लगता था वाई मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिगैन इट बिकॉज इट बिगैन एन अदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल बिकॉज मंडे को सबसे ज़्यादा ख़राब क्यों लगता था मंडे तो वो डे था जिसमें वो फिर से एक नया हफ़्ता शुरू होता था और उनको पता चलता था कि उनकी जो स्कूल में जाके वो सफ़र करना शुरू करेंगे तो हर मंडे अपने आप में एक ऐसा डे होता था जो पूरे वीक को स्टार्ट करता था जहाँ पे वो स्कूल में जाके सफ़र करने वाले हैं सो ही जनरली बिगेन दैट डे विथ विसिंग ही हैड नो इंटरवेनिंग हॉलीडे सो वो चाहते थे कि उनको इस ये जो मंडे है इसमें एक अन नो इंटरवेनिंग हॉलीडे कहने का मतलब कि जिसमें कोई भी डिस्टर्बेंस uh, ना हो जिसमें कोई भी ब्रेक ना हो ही वॉन्ट्स द हॉलीडे आफ्टर संडे अगेन ऑन मंडे ही डो नॉट वॉन्ट टू गो द दुट द स्कूल और ही डो नॉट वॉन्ट एनी इंटरवीनिंग हॉलीडे इंटरवेंशन इन हिस हॉलीडे दैट इज संडे आफ्टर मंडे मतलब छुट्टी मंडे के बाद उनको संडे के बाद उनको मंडे को भी छुट्टी चाहिए थी बिना किसी इंटरवेंशन के सो so, गोइंग इन टू कैप्टिविटी एंड फेटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियंस ऐसा क्यों जाते थे वो बिकॉज मंडे जो होता है ना वो हमेशा उनके लिए एक चेन uh, की तरह था फेटर्स मींस होता है चेन चेन की तरह था और जो कि उनके उनको फिर से एक हफ्ते के लिए बांधने वाला था सो टॉम ले थिंकिंग टॉम जो है उन्हें बेट पर लेटा हुआ है एंड हिज थिंकिंग That presently it occurred to him that he wished he was sick, then he could stay home from school. Here was a vague possibility. He कैन वॉज हिज सिस्टम दैट इज़ वो अभी देख रहे हैं कि क्या मुझे बुखार है मुझे तबियत खराब है क्या मैं किस मतलब वो अपने आप बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं स्कूल को अवॉइड करूँ So he चेकिंग हिम सेल्फ अपने आप को चेक कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मुझे कोई तबीयत तो खराब नहीं है मेरी फीवर तो नहीं है मुझे ज वॉट ही इज डूंग नो एलिमेंट फाउंड एंड ही इनगेटेड अगेन कोई भी बीमारी नहीं दिखाई दी एलिट मीन एलिमेंट मीन बीमारी तो कोई भी बीमारी दिखाई नहीं दी एंड इन्वेस्टिगेटेड फिर से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया टाउन स्वेयर ने फिर से इन्वेस्टिगेट किया दिस टाइम थॉट ही कुड डिटेक्ट क्लॉकी सिम्टम कोलिकी सिम्टलिकी सिमटम एंड ही बिगैन टू एनकरेज दैम विथ कंसिडरेबल होप ओके तो उनको कुछ सिम्टम्स दिखाई दिए कुछ छोटे से सिम्टम्स दिखाई दिए और वो चाहते थे कि उस सिम्टम को एनकरेज किया जाए बढ़ाया जाए ताकि उसको मैं एक बहाना बना सकूँ स्कूल छोड़ने के लिए बट दे सून ग्रू फीबर एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे बट वो छोटे से सिम्टम जो भी जिनको दिखाई दे रही थी वो सिम्टम भी धीरे धीरे खत्म हो गई ग्रीव फीबल मतलब कि वो आकर खत्म हो गई फीवर छोटा हो जाना दैट प्रेजेंटली डाइड और वो पूरी तरह से खत्म हो गई डाइड मीन्स यह खत्म हो जाना ही रिफ्लेक्टेड फॉर द सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग उन्होंने फिर से अपने आप को पूरा चेक किया और उसके बाद फिर उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर किया क्या डिस्कवर किया दैट वन ऑफ हिस्स अपर फ्रंट तीथ वॉज लूज अब उनके जो अपर तीथ हैं जिसमें से उनमें से एक जो अपर तीथ है वो लूज है फ्रंट का तो दिस वॉज लकी वो अब खुश हो गए कि हाँ अब कोई तो बहाना मिला मुझे स्कूल छोड़ने के लिए ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रोन ग्रोन मीन्स यहाँ पे क्या है कराना दर्द दर्द में कहते हैं ना उसको बोलते हैं ग्रोन सो ही वॉज अबाउट टू बिगिन इन ग्रोन एज अ स्टार्टर एज ही कॉल्ड इट वेन इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ ही केम इन टू कोर्ट विथ दैट आर्ग्यूमेंट हिज आंट वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट नाउ जैसे ही वो चिल्लाने ही वाले थे वो चिल्लाना शुरू ही करने वाले थे कि उनके दिमाग में एक बात आई क्या बात आई दैट अगर इस बारे में उनके आंट को पता चल गया कि उनका जो ऊपर का जो अपर तीत है वो हिल रहा है तो वो क्या करेंगे उस तीत को बाहर निकाल देंगे खींच के जिससे उनको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है सो ही थाट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं 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 टूथ के बारे में तो मैं नहीं बताने वाला किसी को भी एंड ही रिजर्व हिज फॉर द प्रेजेंट हिज पेन फॉर द प्रेजेंट अपने आप जो टूथ का जो दर्द है उसको छिपा दिया उन्होंने बताया ही नहीं किसी को ठीक है और फिर से वो दूसरा uh, कुछ बहाना ढूंढने के लिए आगे बढ़े सीख फर्दर नथिंग फॉरवर्ड फॉर सम लिटिल टाइम एंड देन ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट अ सर्टेन थिंग्स दैट लेड अप अ पेशेंट फॉर टू और थ्री वीक्स एंड थ्रेटेंड टू मेक हिम लूज़ अ फिंगर उसी समय उनके बाद में दिमाग में एक बात आई कि उन्होंने कभी डॉक्टर से को कहते हुए सुना था ठीक है उनको याद है ये कि डॉक्टर को कहते हुए सुना था कि एक ऐसा सिम्टम है जो पेशेंट को अगर होता है और वो टू से थ्री वीक्स के अंदर के, के लिए रह जाता है तो उसके फिंगर को काटा काटना पढ़ सकता है डॉक्टर ने ऐसा कहा था सो द बॉय ईगरली ड्रू his sore थ्रो सोर टो सोर मीन्स एक छोटी सी फुंसी होना या फिर छोटी से कोई बल्ज जैसा हो जाता है ना स्किन के ऊपर रेड कलर का उसी तरह से उनके टोप एक हुआ है सोर टो है फ्रॉम अंडर द सीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन और उन्होंने अपना अंगूठे को उठाया नीचे पैर के अंगूठे को, को और उनको पकड़ कर को चेक करने लगे बट नाउ ही did not know the necessary symptoms. However, it seemed well worthwhile to chance it. So, he fell into groaning with considerable spirit. Now, अब उनको बस उनको कुछ खास सिम्टम तो पता नहीं था डॉक्टर को उन्होंने सुना था लेकिन उनको सिम्टम पता नहीं था कि क्या क्या सिम्टम होने चाहिए उस बहाना को सही प्रूफ करने के लिए लेकिन लेकिन उनको ऐसा लगा हाउ एवर सीम्ड वेल वर्थ वाइल उनको ऐसा लगा कि ये सही रहेगा वर्थ वाइल है इट्स वर्थ वाइल दैट चांस तो लिया जा सकता है इस अंगूठे के साथ में सो ही फेल टू ग्रोनिंग ग्रोनिंग मतलब कराने लगे कस कस के आवाज निकालकर अपने मुंह से विद अ कंसिडरेबल स्पिरिट मतलब अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से मतलब ही डिड डिड इट विथ ऑल हिज कंसिडरेबल कॉन्सेंट्रेशन ट सम हिज ग्रोनिंग ओके बट सिड स्लैप्ड ऑन अनकॉन्सियस सिड जो है उनके बगल में इस हो रहा है बट उनको सिट को, को कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ग्रोन उनके चिल्लाने से उनके दर्द में कह कराने से टोम टॉम ग्रोन्ड लाउडर एंड फैंसी डेट ही बिगेन टू फील पेन इन द टो और वो अब एक्टिंग करने लगा कि उसके भंग उठे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ही तेज से लचीलाने लग गया नो रिजल्ट फ्रॉम सिड सिड से कोई रिजल्ट अभी भी नहीं आया टॉम वॉज पेंटिंग विथ हिस्स एक्सर्शन बाय दिस टाइम एंड ही टुक अ रेस्ट एंड देन स्वेल्ड हिम सेल्फ अप एंड फेज अ सक्सेशन ऑफ एडमायरेबल ग्रोन्स सीड स्नोड ठीक है अब टैम टॉम को बहुत ज्यादा

देन जब उसको हिला दिया सिड को उसने कस के तब दिस कोर्स वर्क वेल मतलब अब टॉम क्या किया ये जो ये जो हिलाना हुआ ये उसका काम आया और टॉम अपना चिल्लाना जारी रखा अपना कराना जारी रखा सिड योंड स्ट्रेच्ड एंड देन जैसे हम फोकर उठते हैं तो अपने जमाई लेते हैं वी यौन एंड देन वी स्ट्रेच अवर बॉडी In the same way, Sid did. He yawned, he stretched his body, and that brought himself up. up then he got up and he, uh, have, he stared at Tom that how what he is doing, why he has he is so uh, in pain or he is groaning. Okay, the so Sid said, Tom, say Tom, there is no response from Tom. The Sid says टॉम से टॉम देर वॉज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम टॉम और देन सीट इज सेम वैपन वॉट हैपेन्ड बट देर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम टॉम हियर टॉम टॉम व मैटर टॉम एंड हीज फेस एनशियसली और वह अब टॉम को बार बार बुला रहा है पूछ रहा है उससे क्या हुआ बताओ क्या प्रॉब्लम है है ना एंड टॉम को के फेस को एनशियसली एक सरप्राइज के साथ देख रहा है सरप्राइजिंगली टॉम मोन्ड आउट ओ डोंट सिड डोंट जॉगल मी अब मुझे मतलब मेरे पास मत और मुझे हिलाओ मत मुझे दर्द हो रहा है वाई वॉट्स द मैटर टॉम आई मस्ट कॉल आंटी No, never mind. It will be very soon, maybe. Don't call anybody. But I must. Don't groan so, सो It's awful. How long you been this way? Then वो बोलता है सेंग uh, कि तुमको कब से इतना दर्द हो रहा है मुझे तुम, मुझे आंटी को बुलाना पड़ेगा बट सिड बट टॉम इज सेंग नो 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 डो नॉट कॉल आंटी देन अवर्स आउच ओ डोंट स्टर सो सिड यू विल किल मी देन टॉम सेज कि एक घंटे से करीब मुझे दर्द हो रहा है और मुझे इस तरह से मत मुझे बहुत दर्द हो रहा है तुम मुझे मार दोगे टॉम वाई डेंट यू वेक मी sooner? Oh टॉम डोंट लेट इट मेक मी फाइट to टू you. यू टॉम is इज़ द मैटर तब सिट जो है पूछ रहा है बार बार कि क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे बिकॉज तुम मुझे डरा रहे हो द वे यू आर स्क्रीमिंग द वे यू आर ग्रोनिंग आई एम अफ्रेड ऑफ़ यू है ना सो आई हैव टू गो टू द आंट एंड आई हैव टू कॉल हर आई फॉर गिव यू फॉर एवरीथिंग सेड ग्रोन एवरी थिंग यू हैव एवर डन टू मी आई एम वैन आई एम गॉन ओ टॉम यू एंट डाइंग आर यू दैन उस वो जो सिड है वो भी बहुत ज्यादा काफी ज्यादा डर गया है और वह भी सिड टॉम से, से पूछ रहा है कि क्या तुमको तुम तुम मरने जा रहे हो देन ही इज आस्किंग वो बहुत ज्यादा डर गया है ही इज बिहेविंग इन दैट वे दैट सेड इज थिंकिंग इन लाइक दैट आई फॉर्गेव एवरीबडी सिड ग्रोन टेल का मतलब देम है प्रोस्टोफी ई एम मीन्स देम होता है सो सेड एंड सेड यू गिव मी विंडो सेस एंड माई कैट विथ वन आई टू दैट न्यू गर्ल दैट कम्स टू टाउन एंड टेल हर ये पड़ोस में बगल में किसी गर्ल के बारे में बात करें जो अभी अभी यहाँ पे आई हुई है बट दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन दिस चैप्टर बट सिड हैड स्नेच हिज क्लोथ एंड गॉन टॉम वॉज सफरिंग इन रियालिटी नाउ सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग एंड सो हिज ग्रोन हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेनविन टोन अब उसका जो दर्द था वो सच में बढ़ चुका था और कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोन्थ जो लाना था वो कहीं ना कहीं सच में आ गया था डेट कि उसकी जो दर्द जो जो चिल्ला रहा था वो लग रहा था कि हाँ ही इज ही इज हैविंग द पेन रियली रियली ही इज हैविंग द पेन सिट फ्लू डाउन स्टेयर्स एंड सेड ओ आंट पॉली कम टॉम इज डाइंग जो है वो नीचे पहुंच गया आंट के पास और वो बोलता है कि आंट जल्दी आप यहाँ पे और टॉम इज डाइंग डाइंग Then who is saying? It? Aunt is saying this. Dying? He's surprised. She's surprised. Aunt is surprised. What you are saying? He says dying. Then, yes, ma'am. happy? Yes apostrophe M means yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Or you can say yes, mother. Don't wait. Come quick. Rubbish. I don't believe it. Rubbish means rough. Uh, matlab, uh, rubbish means what? Uh, that is rough. That is not uh, rubbish. We say no, rubbish. In English, that is rubbish here. So do not get confused with it. It is a rubbish. I don't believe it. Who is saying? Aunt is saying. No, no. What you was saying, I don't believe it. But she fled upstairs. Nevertheless, with Sid at her heels. लेकिन भले ही उन्होंने बोला कि नहीं तुम क्या बोल रहे हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस चीज़ पे. लेकिन फिर भी वो जल्दी से दौड़कर Sid के पास पहुँची. Upstairs means ऊपर वाले कमरे में. And her face grew white too. And her lips trembled. जब वो के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत तेजी से सांस लिया कर बोलती हैं, क्या हुआ तुमको the मैटर विद यू क्या हो गया तुमको ओ आंटी आई एम देन ट्राइंग टू से समथिंग बट ही आई एम That इज what's द मैटर विद यू What इज द मैटर विद यू चाइल्ड देन Aunt is saying what is the matter with you what is the matter with you child then he is she is asking then oh auntie my sore toes is mortified mortified means it's like terrible it's going to be uh, senseless i sense you should say it is going to be senseless mortified it's mortified my aunt, my sore toe is mortified, it's terrible. The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, and then did both together. This restored her, and she said, Tom, what a turn you did give me. Now you set up that nonsense and climb out of this. Then what she says, Old lady, then what happens? चेयर पे बैठ जाती हैं और हंसने लग जाती हैं और फिर वो रोने लग जाती हैं और फिर वो दोनों एक साथ करती हैं और फिर उसके बाद जब उनको जब वो शांत हो जाती हैं जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तब वो बोलती हैं कि टॉम वाट टर्न डिड यू गिव टू मी तुमने क्या सरप्राइज कर दिया मुझे क्या तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया नाउ यू सेट अप दैट नॉन सेंस अपने उस बेवकूफ़ी को बंद करो जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो उसको बंद करो एंड क्लाइंट आउट ऑफ दिस और बेड से बाहर निकलो मतलब आंट को समझ में आ गया है कि वो नोटंकी कर रहे हैं वो बस और सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज ले कर रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए द ग्रोन्स सीज्ड द टो अब क्या हुआ अब टॉम को भी समझ में आ चुका है कि आंट को सब कुछ समझ में आ गया है सो अब यहाँ पे नाटक करने का कोई मतलब नहीं है तो टॉन का जो ग्रोन है जो चिल्लाना था वो भी खत्म हो गया और उसका दर्द भी खत्म हो गया द बॉय फेल्ट अ लिटिल फुलिस एंड ही सेड aunt polly it seemed mortified and it hurt so i never minded my tooth at all then he says aunt मैं आपको फुलिस नहीं बना रहा हूँ बॉय बॉय दैट उसको ऐसा लगा कि मैं मैंने मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ उनको अपने आप को फुलिस फील कर रहे हैं वो एंड देन ही सेड आंट पॉली आंट पॉली को कवर अप करने के लिए बोल रहे हैं कि आंट पॉली ऐसा नहीं है इट सीम मोटिफाइड मेरा जो टू है वो सही में बहुत ज़्यादा टेरिबल है इट दिस इज हर्टिंग एंड इट आई नेवर माइंड माइंडेड माई टूथ एट ऑल और वो भी, भी बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा मुझे दर्द कर रहा है मेरा टू कि मैंने अपने टूथ के बारे में भी नहीं सोचा बस बोल दिया उन्होंने टूथ के बारे में जो छुपा रहे थे पहले से दैट ही सेड दैट इवन माई टूथ इज सो ए ए किंग टो इज सो किंग सॉरी माई टो इज सो ए किंग दैट आई हैव नेवर इवन नॉट माइंडेड द टूथ एट ऑल मैंने टूथ को भी माइंड नहीं किया टूथ के पेन को देन आंट सेज योर टूथ इंडीड वॉट द मैटर विद योर टूथ और वो उसमें से एक पेन हो रहा है दे आर देर नाउ डोंट बिगिन द ग्रोनिंग अगेन ओपन योर माउथ वेल योर टूथ इज लूज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई विद आंट बोलती हैं कि ठीक है तुम अपना अभी फिर से ग्रोन मतलब फिर से चिल्लाना बंद करो चिल्लाना मत शुरू कर देना ओपन योर माउथ अपना मुंह दिखाओ वेल योर टूथ इज लूज देन वो देखती हैं और टूथ सही में लूज है देन ही सी से इज बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई विद दैट मतलब अब तुम इससे तुम इससे मरने नहीं जा रहे हो तो कोई डू नॉट एक्ट लाइक दैट कि इतना कोई बड़ा चीज नहीं है ये सींग दैट आंटी वॉज अबाउट टू गेट अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ किचन वेन टॉम काइड आउट टॉम ने अब टॉम को समझ में आ गया कि उनकी आंटी जो है वो उनका जो टूथ है वो अब निकालने वाली हैं तो अब वो चिल्लाने लगा नहीं 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 ऐसा मत करो बट आंट गई और एक सिल थ्रेड लेकर आईं और चंक ऑफ फायर मतलब कि आग एक आग का टुकड़ा वो लेकर आती हैं कहाँ से किचन से ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट इट डजेंट हर्ट एनी मोर आई विस आई मे नेवर स्टर इफ इट डज प्लीज़ डोंट आंटी आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल अब वो बोलते हैं अब उनको डर है कि कहीं कहीं ये डर है कि आंटी कहीं कि उनके तूत को खींच कर बाहर ना निकाल दें तो इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आंटी वो दर्द नहीं कर रहा अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप प्लीज उसे बाहर मत निकालो मैं इवन स्कूल भी जाने के लिए तैयार हूं नाउ ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल नाउ ओ यू डोंट डोंट यू सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थाट यूड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिसिंग देन वॉट इज एस इज आंटी को समझ में आ गया अच्छा तो तुम तो ये सब बहाना जो है वो इसलिए बना रहे थे तुमको स्कूल ना जाने मिले और तुम उसके बाद फिशिंग पे जा सको टॉम टॉम आई लव यू सो एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विद योर आउटरेजियसनेस आउटरेजियसनेस मतलब क्या होता है शैतानी जो बच्चे शैतानी करते हैं ना देट इज़ आउटरेजियसनेस है ना तो वो बोलती हैं टॉम टॉम मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ सिर्फ इसीलिए बट तुम कभी भी कोई भी आ, कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो मेरे को परेशान करने के लिए ठीक है ये यह है यहाँ पे कहने का मतलब नाउ डेट ट्रुथ विल कम आउट ऑन इट्स ओन ठीक है मैं तुम्हारा टूथ नहीं निकाल रही हूँ वो खुद ही बाहर आ जाएगा समय आने पर गो टू स्लीप नाउ एंड वी विल डिसाइड वॉट टू डू वेन यू वेकअप चलो आप सो जाओ जब तुम उठोगे तब डिसाइड करेंगे तुम्हें स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स एंड यू कैन सी हाउ द टॉम्स कैरेक्टर इज ही इज सो मिस्चीवियस ही इज सो इंटेलिजेंट टू but uh, somewhere his a child and is bound with his intelligence being a child. and so um, how he tried to escape the school, but he is not. he has not made it, which you'd say. this is how the chapter ends. and uh, i hope you will understand. and if you have any problem, you can uh, directly message me on whatsapp and i'll help you. okay.